जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था वॉइस टॉपिक को, और वॉइस टॉपिक के हमने बताया था कि क्या वॉइस होती है, वॉइस के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, वॉइस के 5 बेसिक कंसेप्ट्स आपको बताया था। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम ये सीखेंगे कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, अगर ये 5 काइंड्स आते हैं कि टेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मॉडल्स अगर सेंटेंस में आता है तो उसके अकॉर्डिंग इसको कैसे चेंज करेंगे, लैट इंपेरेटिव और इंफिनिटिव अगर आता है तो उसको कैसे चेंज करेंगे। तो आज हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में टेंस के बारे में तो डिस्कस कर लिया था, आज हम डिस्कस करेंगे मॉडल्स के बारे में कि अगर सेंटेंस में जो है मॉडल्स आते हैं तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे। अब सेंटेंस में मॉडल्स भी 2 टाइप से आते हैं। एक आता है सिंपल, आपकी जब मेन वर्ब फर्स्ट की फॉर्म हो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो, और दूसरा आपके साथ जब हैव करके थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है। अब हम इसको एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग देखते हैं। देखिए, अगर सेंटेंस में है सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स। अच्छा, अब आप पहले ये क्लियर कीजिए कि मॉडल्स कौन कौन से होते हैं। मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो जो है वो मॉडल्स की ही बनाएंगे। कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, शुड, वुड, नीड, डेयर, ओट टू, ये सारे क्या होते हैं? मॉडल्स होते हैं। मॉडल्स अपने आप में एक ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है, जो मेन वर्ब की क्या करती है? हेल्प करती है उसके मीनिंग को कंप्लीट करने में। ठीक है, अब अगर सेंटेंस में किस तरीके से आता है सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स। मॉडल्स के बाद हमने जो मॉडल्स के टॉपिक है उसमें पढ़ा है कि मॉडल्स जो है वो फॉलो करता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को। यहां हमारी आ गई है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लस में आ गया है ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव का स्ट्रक्चर हो गया। जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? पैसिव फॉर्म में सब्जेक्ट प्लस मॉडल, जो मॉडल सेंटेंस में गिवन है वो, प्लस हम उसके साथ क्या लगा देंगे? बी। फिर हम लगाएंगे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और फिर हमारा जैसे कि रूल नंबर जो हमने बताया था 4th डिस्कस किया था कि प्रेपोजिशन जो है वो फॉलो करेंगे, तो यहां आएगा बाय और फिर क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। चलिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे है? आई मस्ट हेल्प द पुअर। ठीक है, आई मस्ट हेल्प द पुअर यहां आ रहा है। ठीक, अब यहां है कि मस्ट, मस्ट किसके लिए होता है? कंपलसेशन के, मुझे जो है गरीबों की मदद करनी चाहिए, यहां आ रहा है। अब देखिए, अब इस सेंटेंस में आई हमारा क्या है? सब्जेक्ट। मस्ट हमारी क्या हो गई? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्प हमारी क्या हो गई? मेन वर्ब। और द पुअर हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब हमारा ऊपर का स्ट्रक्चर क्या कह रहा है? सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है? सब्जेक्ट। तो हमने इसका सब्जेक्ट बनाया, क्या बन गया? ये द पुअर। फिर हमारा क्या आया? मॉडल्स। तो मॉडल्स में हमने क्या लिया? मस्ट। फिर हमने उसके साथ क्या लगाया? बी, मस्ट बी। फिर हमारा देखिए, हेल्प जो मेन वर्ब है उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है? हेल्प्ड में। ठीक है, द पुअर मस्ट बी हेल्प। फिर यहां हमने प्रेपोजिशन का यूज किया है, वो कौन सी प्रेपोजिशन है? बाय। और आई को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है? मी। ठीक है, हमने बताया था सब्जेक्टिव केस जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट हो जाएगा। वीडियो की स्टार्टिंग में वो इसकी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो बाय के अलावा दूसरी प्रेपोजिशंस के भी फॉलो करती हैं, तो हम अपनी इसी वीडियो के लास्ट में या इस नेक्स्ट जो इसका पार्ट है उसमें मैं आपको वो प्रेपोजिशन चार्ट भी, वो वर्ब चार्ट भी दूंगी जो अदर जो प्रेपोजिशन को क्या करता है? फॉलो करता है। अच्छा, इसी का हम अपना सेकेंड सेंटेंस लेते हैं। ही कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, अब यहां देखिए, वह अंग्रेजी बोल सकता है। ही कैन, कैन एबिलिटी को दिखा रहा है यहां पे। ठीक, ही हमारा हो गया है सब्जेक्ट, कैन हमारा हो गया है मॉडल्स, और स्पीक हमारी हो गई है मेन वर्ब, और इंग्लिश हमारा हो गया है ऑब्जेक्ट। अब हमने इसको कैसे चेंज किया है? इंग्लिश, फिर मॉडल्स हमारा क्या आ गया? कैन बी स्पोकन बाय हिम। ठीक है, ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जब हमारे सेंटेंस में मॉडल्स दे रखा है तो मॉडल्स के बाद हम क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे, और फिर मेन वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ओके, अब मॉडल्स का जो सेकेंड पार्ट होता है वो किस तरीके से सेंटेंसेस में आ जाता है? यहां आता है सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लस में क्या आ जाता है?
ऑब्जेक्ट, जब हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, हैव के साथ देखिए यहाँ पे कौन सी आ रही है, थर्ड फॉर्म। और बताया है कि मॉडल्स किसको फॉलो करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, लेकिन यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पे किसका यूज हो रहा हैव का यूज हो रहा है। तो इसका हम जो ये एक्टिव का स्ट्रक्चर हो गया है, इसको जब पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो इसको कैसे करेंगे, ये ऑब्जेक्ट हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट में। फिर मॉडल्स जो हमारे वो सेम रहेंगे, हैव हमारा सेम रहेगा, हैव के साथ जो हम बी की फॉर्म लगाएंगे वो कौन सी लगा देंगे, बीइंग। फिर यहाँ हमारा आता है थर्ड फॉर्म को हम फॉलो करेंगे, वो हमारी सेम रहेगी, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। फिर हमने किसका यूज किया है, प्रेपोजिशन का, और सब्जेक्ट को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया है, ऑब्जेक्ट में। चलिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही विल हैव सॉल्व द सम। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, ही हमारा है सब्जेक्ट, विल हैव कर चुका होगा यहाँ पे सॉल्व, ठीक है, द सम्स। तो द सम्स को हमने कहा लिया है आगे, क्यों, वो क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, हमने उसको क्या बना दिया, सब्जेक्ट। द सम्स विल हैव बीन सॉल्व बाय हिम। ओके, इसके बाद हम हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। ही मस्ट हैव डन दैट वर्क, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ही हमारा है सब्जेक्ट, ठीक है, मस्ट हमारा क्या है, मॉडल्स, और यहाँ हमारा आता है डन, कौन सी है हमारी मेन वर्ब, और डेट वर्क हमारा किसकी तरह काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह। तो हमने इस डेट वर्क को कहा लिया है आगे, तो हमारा आ जाएगा डेट वर्क मस्ट हैव बीन डन बाय हिम, ठीक है, वह कार्य उसके द्वारा किया जाना होगा। ओके, चलिए अब हमारा जो सेकंड कंसेप्ट जो सेंटेंस का था, मॉडल, हमने उसके बारे में भी देख लिया कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर, टेंस के स्ट्रक्चर को चेंज करना देख लिया। अब हमने मॉडल्स का, अगर सेंटेंस में मॉडल्स आते हैं उसके स्ट्रक्चर को कैसे चेंज करना है ये देख लिया। अब हम अपने स्टार्ट करते हैं लेट वाले सेंटेंसेस को। अगर सेंटेंस में जो है लेट का, तो हम अब स्टार्ट करते हैं अपने लेट वाले सेंटेंसेस के बारे में कि लेट वाले सेंटेंसेस को कैसे चेंज करना है। लेट वाले सेंटेंसेस दो जो है, जैसे कि सेंटेंस जो हमारा होता है असर्टिव सेंटेंस, टू टाइप के होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव में हम कौन से लेते हैं, सारी ही पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को लेते हैं। दूसरा हमारा जो नेगेटिव है उसमें नेगेशन या नेगेटिव स्टेटमेंट को लेते हैं। तो अगर सेंटेंस में असर्टिव जो सेंटेंस है उसमें अफर्मेटिव में है तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक चीज को आपने ध्यान रखना है, ये नोट हमने डाला है कि लेट हमेशा ऑब्जेक्टिव केस को फॉलो करेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, बी, फिर क्या आ जाएगा हमारा। अब देखो एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते टाइम हमने हमेशा कौन सी वर्ब का यूज करना है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर अदर वर्ड्स हो जाएगा, ठीक है। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव में किस तरीके से होगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या लग जाएगा, नॉट, नॉट के साथ हम क्या लगाएंगे, बी, फिर हम आज हो जाएगी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और अदर वर्ड्स जो आपके हैं। चलिए हम इसका पहला एग्जांपल ले लेते हैं, ओपन द विंडो। अच्छा एक चीज और ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि ये जो सेंटेंसेस जिसको हम चेंज कर रहे हैं लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ये सारे जो है इंपेरेटिव में जो कमांड होती है। अब आप कहोगे जी आपने तो कहा कि इंपेरेटिव आगे डिस्कस करेंगे, तो इंपेरेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें क्या क्या होता है, कमांड, ऑर्डर, एडवाइस, सजेशंस, ठीक है, और रिक्वेस्ट, ये सारी चीजें होती हैं। तो इंपेरेटिव को हम पूरे इंपेरेटिव को यहाँ डिस्कस नहीं करें, ये वाले जो सेंटेंस है ये इंपेरेटिव का पार्ट है, लेकिन कौन सा है, कमांड पार्ट, जो कि किस में कन्वर्ट हो जाता है, लेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमारा पहला सेंटेंस कौन सा है, ओपन द विंडो, ठीक है। अच्छा इसको हम इंपेरेटिव का पार्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका देखो सब्जेक्ट नहीं है, ये किससे स्टार्ट हो रहा है, वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। इंपेरेटिव जो होते हैं उसमें यू जो है वो सब्जेक्ट होता है और वो क्या होता है, अंडरस्टूड होता है, ठीक है। ओपन द विंडो, अब हमारा यहां पे देखो ऑब्जेक्ट क्या है, द विंडो, ओपन क्या है हमारी, वर्ब, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट बन गया हमारा ये, ठीक है। अब एक चीज और, अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब होगी तो ये जो है ऑब्जेक्टिव केस जो है वो चेंज हो जाएगा। अब यहां देखो हमने इसको क्या करा, क्योंकि सेंटेंस में हमें बता रखा था कि लेट के बाद हमने ऑब्जेक्ट लेना है, तो हमने लिखा लेट, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द विंडो, हमने इसको कहां लिया, यहां लिया, तो ये क्या हो गया, लेट द विंडो,
फिर हमने क्या लगाना है, बी बी, फिर ओपन का किस में कन्वर्ट हो गया, ओपन, लेट द विंडो बी ओपन, ठीक है। अब इसी का अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव में उसको कैसे चेंज करेंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। अब इसका नेगेटिव लो, डोंट इंसल्ट द पुअर, ठीक है, नेगेटिव हो गया, ठीक है भाई, डोंट इंसल्ट द पुअर, गरीबों की बेइज्जती ना करें, ठीक है, नहीं करनी चाहिए कभी भी, किसी की भी नहीं करनी चाहिए, गरीबों की क्या, किसी की भी नहीं करनी चाहिए, मैनर्स कभी भी। तो यहां हम कह रहे हैं डोंट इंसल्ट द पुअर, तो पुअर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, हम वही करेंगे, लेट प्लस द पुअर प्लस क्या आ गया, नेगेटिव है इसलिए हमने लगाया नॉट, फिर हमने लगाया बी, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्ट, हमारी जो है वो मेन वर्ब है, वो किस में कन्वर्ट हो गई है, इंसल्टेड, ठीक है। अब लेट का ये एक जो टाइप है वो तो हमने डिस्कस कर लिया, उसके बाद हम जो दूसरा जो टाइप है, देखिए इसमें हमारा जो दूसरा टाइप आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, यहां आ रहा है हमारा दूसरा टाइप लेट, ऐसे सेंटेंस जिसमें लेट के बाद अस लगा हुआ है, ठीक है, लेट के बाद अस, अस जो है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, और ऑब्जेक्टिव केस किसका है, ये वी का, ठीक है, ये ध्यान रखना है हमने। अब कह रहे हैं लेट, ऐसे सेंटेंस जो किससे स्टार्ट हो रहे हैं, लेट अस से, ये जो लेट अस है ये हमेशा किसका फॉर्म बताएगा, सजेशन का, ठीक है, ये लेट अस सजेशन को बताता है, लेट अस प्ले, लेट अस गो, लेट अस पार्टी, ऐसा समथिंग जो सेंटेंस होते हैं, तो ये लेट अस किसके बारे में बताता है, सजेशन के बारे में बताता है, ठीक है, लेट अस सिंग हमारा आ गया। अब इसमें जब भी इस तरीके का लेट अस आ जाए, सजेशन को दिखाएगा, तो हम यहां पे लगाएंगे इट इज सजेस्टेड, क्या लिखेंगे इसको, इट इज सजेस्टेड, लेट अस वाले सेंटेंस को हम यहां पे लिखेंगे इट इज सजेस्टेड, यहां हमने करा लेट अस सिंग, तो यहां किस में कन्वर्ट हो गया, ये देखिए सिंग हमारा क्या है, वर्ब है, लेट हमारा हो गया, अस हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस, और हमने कहा था लेट जो है जहां लेट अस हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सजेशन में, तो यहां क्या आया है, इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड दैट, दैट आ गया आपका, वी शुड सिंग, हमें गाना चाहिए, ठीक है, सजेशन के साथ आ गया। इफ द सेंटेंस स्टार्ट विद द लेट, अगर लेट से स्टार्ट हो रहा है, और लेट के जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस तरीके से है, कि लेट है, मैंने आपको अपनी उस में बताया ही था कि फर्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्ट जो है वो टू काइंड्स में आ रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हम किसको ले रहे हैं, लिविंग बींग्स को, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हम किसको ले रहे हैं, नॉन लिविंग को, ठीक है। अब एक ही सेंटेंस में ये भी बताया था कि वॉइस में एक ही सेंटेंस में दोनों ऑब्जेक्ट का आ सकता है, सेंटेंस में एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट का यूज हो सकता है। अब यहां देखिए दो सेंटेंस है और साथ में वो सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, लेट से स्टार्ट हो रहा है, देखिए लेट प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आप उसको कैसे कन्वर्ट करोगे, लेट हो गया जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था हमारा, उसको हमने यहां लिया, फिर हमने क्या लिखा, बी, फिर हमने वर्ब की फॉर्म को किस में चेंज किया, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में, फिर हमारा आया बाय, और फिर हमने उसको कर दिया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। इसका एग्जाम्पल देखिए, लेट मी डू दिस वर्क, अब ये दिस वर्क हमारा हो गया, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया मी, और ये दिस वर्क हो गया है दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा, डू हमारी क्या हो गई है, वर्क, ठीक है, ये मी हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दिस वर्क क्या है हमारा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, लेट के साथ लेट प्लस हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर क्या लगाएंगे, बी, फिर क्या लगाएंगे, डू की फॉर्म जो है थर्ड, हम उसको कन्वर्ट करेंगे डन, और फिर हम करेंगे बाय मी, ठीक है, लेट दिस वर्क बी डन बाय मी, ठीक। आई होप कि आपको ये सारे समझ आ गए होंगे, आज हमने
मॉडल्स और लेट के सेंटेंसेस को डिस्कस किया है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको जो है आपकी वर्कशीट की एक पीडीएफ दे रही हूँ, आप उससे प्रैक्टिस कीजिए। ग्रामर एक प्रैक्टिस का जो है टॉपिक होता है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप उसमें जो है अच्छा कर पाएंगे। तो जो लिंक में मैं आपको पीडीएफ की डिस्क्रिप्शन दूंगी, तो वो चीज भी आपने इसके साथ सॉल्व करनी है जो हम इसके पार्ट थ्री में डिस्कस करेंगे। और हमारे दोनों जो पार्ट्स बचे हैं इंपेरेटिव इन्फिनेटिव, इसके साथ एक इंटेरोगेटिव भी जो हमारा रह जाता है, इंटेरोगेटिव को भी हम उसी में डिस्कस करें। थैंक यू एवरी।